हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब देखो बेटा, आपको पता ही है कि जो मतलब जिन सोर्सेज हम क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो अब देखो बेटा, क्रेडिट के जो सोर्सेज हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है फॉर्मल सेक्टर एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल सेक्टर। तो आज हम जो फॉर्मल सेक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल जो सेक्टर जो उसमें कौन कौन से सोर्सेज या क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। देखो तो बेटे, सबसे पहले तो आपको ये जो ग्राफ दे रखा है, फर्स्ट ग्राफ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर रुपीज 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012। आपको बेटे ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, वो आपको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। इस ग्राफ में बताया गया है बेटे, अलग अलग पार्ट्स या परसेंटेज दी गई है कि जो मनी लेंडर्स हैं, कमर्शियल बैंक वगैरह जो है, लैंडलॉर्ड, रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह जो है, उससे जो लोग हैं वो कितना लोन वगैरह या क्रेडिट वगैरह जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज वगैरह जो है, इसके बाद में आपको ये बताना है कि जो लोग जो हैं, ठीक है, रूरल हाउस होल्ड में बता रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों वगैरह में बता रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोन है वो कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से या इनफॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। तो इसमें है देखो बेटे, वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल्स द पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब देखो बेटे, अभी मैंने बताया था कि जो लोग जो है क्रेडिट या लोन जो है वो अलग अलग सोर्सेज से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन कैन बी कॉन्वेंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। अब देखो बेटे, जो हमें अलग अलग जो टाइप्स हैं बेटे, उनको हम टू ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर ग्रुप में या फॉर्मल सेक्टर लोन्स में, और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में। आप देखो क्या बता रखा है, फॉर्मल में कौन इंक्लूड है, इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या 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 चीज इंक्लूड है। तो बेटे इसमें है, अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। अगर हम फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं तो इसमें बेटे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटे ये कि फॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आते हैं बेटे, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, ठीक है, ये किसमें आते हैं, फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। द इनफॉर्मल लैंडर्स इंक्लूड मनी लैंडर्स। अब देखो बेटे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर जो है या लैंडर जो है बेटे, कौन कौन होते हैं इसमें, मनी लैंडर्स आते हैं बेटे, गांव में जो मनी वगैरह लैंड करने का काम करते हैं, मनी लैंडर्स, भूस्वामी वगैरह, ठीक है, ट्रेडर्स आते हैं, एम्प्लॉयर्स आते हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह जो है वो सारे किसमें आते हैं बेटे, इनफॉर्मल में आते हैं, ठीक है। इन ग्राफ फर्स्ट यू कैन सी द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। आप देखो बेटे, ग्राफ फर्स्ट जो मैंने अभी बताया है उसमें बेटे ये बता रखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र वगैरह जो है उसमें अलग अलग सोर्सेज बता रखी है किसके, क्रेडिट के, लोन के। इट इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फिर आपको मैंने अभी बताया था कि ये भी स्टडी करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोन जो है, क्रेडिट वगैरह जो है, वो किससे आ रहा है बेटे, किससे लिया जा रहा है, फॉर्मल सेक्टर से लिया जा रहा है या इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जा रहा है, क्लियर है। इसके बाद में बेटे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। अब देखो बेटे कि ये बात बता रखी है कि जो फॉर्मल सोर्सेज हैं लोन के, ठीक है, बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स वगैरह जो हैं, तो उनपे सुपरविजन का जो काम है, ठीक है, उनके जो देख मतलब उनपे जो नजर रखने का काम जो है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है, ठीक है, आरबीआई करता है। ये आपको ध्यान रखना है बेटे कि फॉर्मल सोर्सेज के जो फंक्शनिंग जो है उनको सुपरवाइज करने का काम कौन करता है बेटे, रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। फॉर इंस्टांस दे रखा, वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। अब देखो बेटे, मैंने पहले बताया था कि बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आता है उसका केवल 15% क्या करता है, अपने पास रखता है। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। आरबीआई ये मॉनिटर करता है बेटे, ये देखता है कि बैंक वगैरह जो है वो एक्चुअली में, ठीक है, ये कैश बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखता है या नहीं रखता। सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल कल्टीवेटर्स। बैंक बेटे, आरबीआई जो है ये भी ध्यान रखता है कि कहीं बैंक जो है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह जो हैं या ट्रेडर्स वगैरह जो हैं उन्हीं को तो केवल लोन नहीं दे रहा, ठीक है, ये ध्यान रखता है कि वो स्मॉल कल्टीवेटर्स जो होते हैं उनको भी लोन दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू स्मॉल बोरोवर्स एटसेट्रा, ठीक है। पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग टू हूम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा। अब देखो बेटा, आरबीआई ये भी बेटे ध्यान रखता है या बैंक्स वगैरह जो है वो आरबीआई को ये भी इन्फॉर्मेशन देती हैं कि उन्होंने बेटे कितना पैसा वगैरह जो कितना मनी लैंड किया है, किसको किया है, उन्होंने बेटे क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो चार्ज की है, ठीक है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लैंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अब देखो बेटा, आपको पता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो मनी लैंडर्स आ रहे हैं, रिलेटिव वगैरह जो आ रहे हैं, उन पर सुपरविजन का काम कोई भी नहीं करता, ठीक है। दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज, देयर इज नॉट वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। अब देखो बेटे क्या बता रखा है कि
कि यहाँ पे ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि वो क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, वो अनफेयर मीन्स वगैरह जो है वो यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको रोकने का यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी वेज नहीं है. कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर्स चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, दस द कॉस्ट टू द बोरोवर इन फॉर्मल लोन्स इज मच हायर. आपको पता है बेटे, एक व्यक्ति फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा है, एक इनफॉर्मल से ले रहा है, तो बेटा इंटरेस्ट रेट वगैरह जो किस पे ज्यादा रहेगी, इनफॉर्मल सेक्टर से जो हम लोन लेते हैं उस पे क्या रहेगी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगी. क्लियर है? इसके बाद में बेटे, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मींस द लास्ट पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रिपे द लोन. अब देखो बेटे क्या बता रखा है, अगर हमने कोई भी लोन वगैरह लिया है, अगर उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी, तो हमें हमारे पास जितनी भी इनकम होगी उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है, हमारी अर्निंग का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है, हम उसको क्या कर देंगे बेटे, लैंडर को दे देंगे. हेंस बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स. इससे बेटे आपको क्या पता चलता है कि जो बोरोवर जो है बेटे, उसकी जो आय वगैरह जो क्या होती होती है बेटे, बहुत ही कम हो जाती है. इन सर्टेन केसेस अ हाई इंटरेस्ट रेट फॉर द बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर. अब देखो बेटे, हाई इंटरेस्ट रेट रहेगी तो हमारी इनकम तो कम होगी, बल्कि हमें रिपे जो है वो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा. दिस कुड लीड टू इंक्रीज डेब्ट एंड डेब्ट ट्रैप. इससे बेटे क्या होगा कि हम किस में फंस जाएंगे, हम जाल में फंस जाएंगे, हम कर्ज के जाल में फंस जाएंगे, हम पर कर्जा हो जाएगा, कहने का मतलब ये है. ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे डू नॉट सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. अब देखो बेटे, मान लो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहता है, लेकिन बेटे इस डर से कि जब हम पैसे बोरो करेंगे, उधार लेंगे, तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी, तो वो ऐसा मतलब लैंड मतलब कहने का मतलब ये है बोरो करने की, वो सोचेंगे नहीं और अपना बिजनेस वगैरह जो है वो शुरू नहीं करेंगे. ठीक है, फॉर दिस रीजन बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर. अब देखो बेटे, यही कारण है कि बैंक जो कोऑपरेटिव वगैरह जो, उनको जरूरत है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें बेटे, लैंड करें. कहने का मतलब ये है कि पैसे क्या करें, उधार दे. ठीक है, दिस वुड लेड टू हायर इनकम्स एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर ए वैरायटी ऑफ नीड्स. अब देखो बेटे क्या होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी और लोग जो है, ठीक है, जब वो बोरो करेंगे, रुपए वगैरह बोरो करेंगे, तो उनपे बेटे इंटरेस्ट रेट वगैरह बता रखी है, क्या बता रखी है, कम बता रखी है, तो वो आसानी से अपनी आवश्यकताओं की क्या कर पाएंगे, पूर्ति कर पाएंगे. दे कुड ग्रो क्रॉप, डू बिजनेस सेटअप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एटसेट्रा. वो क्या कर सकते हैं बेटे, अपनी फसल उगा सकते हैं, उससे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो सेटअप कर सकते हैं. दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. ये बता रखा है बेटे, जब वो अपना बिजनेस वगैरह शुरू करेंगे, ठीक है, इसके बाद में बता रखा है चीप और अफोर्डेबल जो क्रेडिट वगैरह जो वो महत्वपूर्ण है बेटे. किसके लिए महत्वपूर्ण है, कंट्री के जो डेवलपमेंट है उसके लिए महत्वपूर्ण है. अगर लोगों को सस्ता क्या मिलेगा बेटे, लोन मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम होगी, तो लोग क्या आसानी से लोन वगैरह जो लेंगे और अपना क्या करेंगे बेटे, बिजनेस वगैरह शुरू करेंगे, और इससे कंट्री क्या होगी, डेवलप होगी.